अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मैं जान गया हूं कि रोज दोपहर को तुम कहां जाती हो। सारे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। राम राम राम, किस नरक में पड़ गया मैं? सब लोग मेरे मुंह पर थूक रहे हैं। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। दोस्तों, आज जिस मशहूर करेक्टर आर्टिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो साइलेंट फिल्मों के जमाने के एक्टर थे और ज्यादातर फिल्मों में बीमार, गरीब, मोहताज और मजबूर आदमी के किरदार करते थे। लेकिन इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि मैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सिंबल ऑफ पॉवर्टी हूँ, और वो थे नाना पालसेकर। हम अपाहिज हैं, घर की बहू नौकरी करने गई है और फिर हम कोई उसकी मेहरबानी थोड़ी ले रहे हैं। दो रोटी डाल दिया करेंगे उस कुत्ते के साथ। मैंने नाना पालसेकर के साथ बचपन में भी काम किया था अपने, और बड़े होने के बाद भी किया, और कई बार उनका इंटरव्यू भी लिया। हमने ये सुना है कि आप अब एक इंडो ब्रिटिश फिल्म गांधी में भी काम कर रहे हैं और जिसके डायरेक्टर सर रिचर्ड एटनबरा हैं। हिंदुस्तानी ना कहूँ तो ज्यादा अच्छा है, देसी और विदेशी दोनों तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करते हुए आपने क्या फर्क महसूस किया? मैं सच बताऊं, ये लोग क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ हम अभी 50 साल पीछे हैं पिक्चर बनाने में। वो लोग पैसे की कीमत और समय की कीमत को जितना अच्छा समझते हैं उतने हमारे हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते। पर आई एम सो सॉरी दादा, आप कहेंगे बीच में बोल पड़ रही है, 50 साल पीछे जो आपने कहा है वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे कहा है ना। जाहिर है कि स्टोरी और रिचनेस सब्जेक्ट का जो है उसमें तो हम पीछे नहीं है। नहीं, हमारे पास क्या है, हम तंत्र उनसे भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर मेकिंग का जो मंत्र है वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। ये है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हालत। आज कंटेंट की तरफ किसका ख्याल है? हीरो हीरोइन के कपड़े, आज एक जमाना था कारपेंटर और पेंटर लोगों का था, समझे? बाद में जमाना आया है टेलर और बार्बर लोगों का। अब यह आज ज्यादा अपने ड्रेस और अपने इसके तरफ आर्टिस्टों का ख्याल होता है, काम की तरफ उतना ज्यादा नहीं होता। तो इसका जिम्मेदार आप सिर्फ डायरेक्टर्स को ही समझते हैं? नहीं नहीं, आज की ट्रेंड को समझता हूँ मैं। अच्छा। आज फिल्म मेकिंग का ट्रेंड, वो लोग परफेक्शन के लिए मरते हैं, हम लोग डेकोरेशन के लिए मरते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और जाहिर है कि आप इतना तजर्बा रखते हैं कि इस सुझाव से हमारे लोगों को फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अब चलते चलते एक छोटा सा सवाल और कुछ कुल कर रहा है दिमाग। अच्छा, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल नहीं। और अगर माने तो मैं माफी नहीं, 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 नहीं। जाहिर है कि इन 50 सालों के अलावा और भी कम से कम 25 साल आपने जिंदगी के गुजारे हैं। और 75 साल की जिंदगी में जरूर खुशी का ऐसा जबरदस्त लम्हा आया होगा जब शहनाई बजी होगी। मैं जान सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में शहनाई कब, कैसे और किसके लिए बजी? नहीं नहीं, शहनाई तो बहुत सुनी है मैंने, और औरों के संसार बसाने में हमने बहुत कुछ भाग लिया, लेकिन मेरे जीवन में कभी शहनाई बजाने का और बजने का कभी मौका नहीं मिला। इसका मतलब ये कि आप कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं? हाँ, मैं अनमैरिड। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री तो जानती है कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? तो ये फिल्म में जितने हैं 5 पीढ़ियों के लोग, हाँ? जो आज भी हैं, सबके बाप का ही तो रोल मैं करता हूँ, वही मेरे बच्चे हैं। अच्छा, नहीं बता दो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि शादी आपने क्यों नहीं की? वो एक मेरा बड़ा जिंदगी का एक स्ट्रगलिंग सवाल है कि मैं शादी करूं और बच्चे पैदा करूं संसार में, और फिल्म इंडस्ट्री का कोई सिक्योरिटी नहीं है, और मेरा होल लाइफ स्ट्रगल में गया है, इसलिए मैंने बोला कि शादी से बचो, अपने भाई बंद है उनकी शादी करा देंगे, उनके बाल बच्चों को अपना समझेंगे, और मन मुराद अपनी जिंदगी अकेले आए थे। जब आए थे तब तो किसी को मालूम नहीं था, किसी ने पब्लिसिटी नहीं की थी, अब जाना है तो इतनी पब्लिसिटी हो रही है
तब बाकी बच्चे अगर अच्छे नहीं निकले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैंने शादी नहीं। बहुत अच्छा, पर अगर आप मुझे बदतमीज ना समझें और खास तौर पे अपने दर्शकों से माफी के साथ, मैं एक सवाल आपसे और पूछ लूं। वो ये कि शादी तो आपने नहीं की, लेकिन 75 साल की जिंदगी में कभी कोई ऐसी व्यक्ति आपके संपर्क में आई जो आपको बहुत अच्छी लगी हो और बेटी बनाने को जी या बहन बनाने को जीना चाहा हो उसको? नहीं, ऐसी तो आई लड़की मेरे जीवन में जो आई, हर किसी की तरफ मैंने बच्ची की तरफ ही देखा है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर शक किया। अब मैंने उस शक का जवाब भी नहीं दिया और मैं अपने चुप बैठ गया, वो आज आए भी नहीं, मैं वहाँ के वहीं खड़ा। तो यानी मोहब्बत और प्यार का जज्बा जो है उसे आपने बहुत ज्यादा आसमान की तरह फैला दिया है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने अपने बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी नाना पालसेकर के साथ कई फिल्मों में काम किया था। एक फिल्म आई थी 1954 में और उस फिल्म का नाम था बाप बेटी। बेटी का टाइटल रोल किया था मैंने और उस फिल्म के डायरेक्टर थे बिमल रॉय और नाना साहब ने उस फिल्म में मेरे गार्डियन का रोल किया था। काफ़ी अरसे के बाद एक और फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था कॉलेज गर्ल। उस फिल्म के डायरेक्टर थे टी प्रकाश राव, हीरो थे शम्मी कपूर और हीरोइन थी वैजंती माला और उस फिल्म में नाना साहब ने मेरे पति का रोल किया था। दुनिया की नजरों में ना सही, लेकिन भगवान की नजरों में तो आप ही उसके खूनी हैं। जानकी ने आत्महत्या की आपके अत्याचार से तंग आकर। जो जुल्म मेरे माँ बाप ने मुझ पर किया वही आपने जानकी के साथ करना चाहा। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने माँ बाप का हुक्म मानकर ये उम्र भर की सजा स्वीकार कर ली, लेकिन जानकी इन बंधनों से आजाद हो गई। सोचिए अगर जानकी की जगह आपका कोई लड़का होता तो क्या आप उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र की औरत से करते? नाना साहब, नाना पालसेकर मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे और अपनी बेटी मानते थे, लेकिन अफसोस कि 1 जून 1984 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। और अक्सर कहा करते थे, बन मुट्ठी हम आए थे, खुले हाथ हम जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।